नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में करने वाले हैं हिंदी साहित्यकारों के वास्तविक नाम और उनके उपनाम। किस साहित्यकार का क्या वास्तविक नाम है और क्या उसे उपनाम से जाना गया है, आज की क्लास में हम देख लेते हैं। क्योंकि हमने एक सीरीज विविध से संबंधित भी चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत हमने सभी पुरस्कारों को पढ़ लिया। हिंदी क्षेत्र में दिए जाने वाले जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, लगभग सभी पुरस्कारों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे हिंदी साहित्यकारों के वास्तविक नाम और उपनाम। हमने टॉपिकों के साथ अपने पाठ्यक्रम को डिवाइड करते हुए DSSB और EMRS TGT PGT हिंदी के संपूर्ण हिंदी की तैयारी को हम व्याकरण सहित आगे बढ़ा रहे हैं। व्याकरण के टॉपिकों को भी हम साथ साथ करते हुए चल रहे हैं, तो हमें अपनी तैयारी को इसी तरह निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में करने वाले हैं वास्तविक नाम हिंदी साहित्यकारों के और उनके उपनाम। क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे TGT PGT हिंदी हो या फिर NTA NET से संबंधित हो। तो आज की क्लास में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, कई बार खुसरो, अमीर खुसरो उसको उपनाम नाम से जाना गया है। कई बार परीक्षा में अमीर खुसरो का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, यानी कि उनका वास्तविक नाम क्या रहा। तो अमीर खुसरो का उपनाम से जाना गया और उनका वास्तविक नाम है अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, और इसे तोताए हिंद के नाम से भी जाना गया है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो उपनाम है वो रहा है आत्माराम। आत्माराम किन का उपनाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हेमचंद्र जी, आचार्य हेमचंद्र जो अपभ्रंश भाषा के कवि कह रहे हैं और उन्होंने अपभ्रंश भाषा का व्याकरण भी लिखा है, तो ये है इनका उपनाम कलिकाल का वाल्मीकि। किसे कहते हैं आप ऑप्शन में बता सकते हो। अपभ्रंश भाषा के ही कवि रहे हैं शुरुआती। आप मैंने जो अपभ्रंश भाषा को कराया था आदिकाल के अंतर्गत कवियों को कराया था, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल वाइज बता दिया था कलिकाल का वाल्मीकि किने कहा गया है, तो आप बता सकते हो। लेकिन कलिकाल का सर्वज्ञ किसे कहा गया है? हेमचंद्र जी को उपनाम है इनका कलिकाल का सर्वज्ञ। इनमें जो एक जैसे जो शब्द होते हैं, एक जैसे नाम होते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अलग अलग क्लियर करते हुए हमें चलना है। आनंदी लाल जैनेन्द्र जी को कहा गया है, यानी कि आनंद जैनेन्द्र जी का पूरा नाम आनंदी लाल जैनेन्द्र है, तो इन्हें उपनाम से जाना गया जैनेन्द्र। हमें उनका वास्तविक नाम अगर पूछ लिया जाए तो जैनेन्द्र जी का, तो आनंदी लाल है। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास वैसे थोड़ी छोटी होगी भाई, और जो जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है, हमने क्रम वाइज सीरीज से हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को टॉपिकों के साथ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, और क्रम वाइज ही हमारी क्लास चल रही है। तो आप देख करके परीक्षा के लिए उनको देख करके आप लाभ उठा सकते हो, क्योंकि मैंने हिंदी के विषय की संपूर्ण हिंदी की तैयारी को लेकर के हम क्लासेस कर रहे हैं आपके लिए। DSSB और TGT PGT या फिर किसी भी अन्य स्टेट में TGT PGT संबंधी, NTA NET संबंधी, सभी के लिए हमारी जो ये क्लासेस चली हुई है सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो अब्दुल रहमान खाना रहीम, जो रहीम उपनाम दिया गया है वो किन का है? अब्दुल रहीम खाने खाना। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रहीम का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, तो ये क्या है उपनाम? रहीम। और व्यास उपनाम है किनका? अंबिका दत्त का। हम पूरा नाम ही लेते हैं ज़्यादातर अंबिका दत्त व्यास, तो व्यास इनके उपनाम दिया गया है और अंबिका दत्त इनका वास्तविक नाम रहा है। उदयनाथ कालिदास
त्रिवेदी के जो पुत्र रहे हैं उदयनाथ, उनका उपनाम क्या है? कविंदर। उपेंद्रनाथ अस्क, उपेंद्रनाथ अस्क वास्तविक नाम है, अस्क इनको उपनाम के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, केशवदास। केशवदास को क्या कहा गया? कठिन काव्य का प्रेत। किसे कहा गया? केशवदास जी को। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, केशवदास कठिन काव्य का प्रेत, यानी केशवदास इनका वास्तविक नाम है, कठिन काव्य का प्रेत उनका उपनाम दिया गया है। कमलेश्वर, कमलेश्वर उपनाम से जाना गया है कैलाश सक्सेना को। कैलाश सक्सेना एक हमारे साहित्यकार हुए हैं हिंदी में, उनको किस नाम से जाना गया है? उपनाम से कमलेश्वर को। लगभग हम कमलेश्वर नाम से ही जानते हैं, उनके वास्तविक नाम से कम जानते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कमलेश्वर जो ये है, ये एक उपनाम दिया गया है किन का? कैलाश सक्सेना जी का। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल का जो उपनाम है, केन का कवि भी केदारनाथ जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कांतानाथ पांडे को क्या कहा जाता है? चोंच। चोंच नाम जो उपनाम दिया गया है वो किन को दिया गया है? कांतानाथ पांडे को। बढ़ते हैं आगे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को प्रभाकर की उपाधि मिली और प्रभात की उपाधि मिली केदारनाथ मिश्र जी को। बेड ऑफ बनारसी जो उपाधि मिली वो कृष्ण देव प्रसाद गोड को मिली। और वाणी का डायरेक्टर, आपको तो आपको सभी को पता है वाणी का डायरेक्टर हिंदी साहित्य में किस साहित्यकार को कहा गया? ये कहा गया कबीरदास जी को। और किन्होंने कहा ये भी आप बता सकते हो, किस विद्वान ने इन्हें वाणी का डायरेक्टर कहा? तो एक एक क्वेश्चन में से जिसमें भी हमें दूसरा पॉइंट निकल कर सामने आता है उनको साथ साथ क्लियर करते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ही बता देती हूँ, हजारी प्रसाद जी को वाणी का डायरेक्टर कहा गया कबीर दास जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डायरेक्टर कबीर दास जी को कहा गया। तो इस प्रकार हम अगर ये एक एक पॉइंट से अगर प्रश्नों को निकालेंगे तो हमारी संपूर्ण हिंदी की अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी का पाणिनि, हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया? किशोरीदास वाजपेयी को। क्योंकि किशोरीदास, और क्यों कहा गया ये भी मैं आपको कंटेंट के क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी का जो व्याकरण लिखा था, सबसे पहले किशोरीदास वाजपेयी ने, इसलिए हिंदी का पाणिनि कहा गया। पाणिनि संस्कृत के व्याकरण करता है, यानी कि उन्होंने संस्कृत का सबसे पहले व्याकरण लिखा था पाणिदास जी ने, तो इसलिए हिंदी का व्याकरण किन्होंने लिखा? किशोरीदास ने, इसलिए इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं, गिरजा कुमार माथुर को इंद्रियता का कवि कहा गया। गिरजा कुमार माथुर जी को इंद्रियता का कवि किसे कहा गया? गिरजा कुमार माथुर जी को। गहमरी को क्या, गहमरी उपनाम किसको दिया? गोपाल नाम, पूरा नाम से ही हम जानते हैं लगभग इस साहित्यकार को, गोपाल राम गहमरी। तो किस साहित्यकार को मिला गहमरी उपनाम? गोपाल राम को। ये भी पूछ लेते हैं कि गहमरी का वास्तविक नाम क्या है, तो गोपाल राम इनका वास्तविक नाम है। तो बढ़ते हैं आगे, धूमधर्मी कविताओं का कवि क्या कहा गया, किसे कहा गया? ये कहा गया कुमार विमल जी को। कुमार विमल जी को क्या कहा गया? धूमधर्मी कविताओं का कवि। और नेक्स्ट हमारा जो रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हुए हैं बुद्धिसेन, बुद्धिसेन का जो उपनाम है वो क्या है? बोधा। बोधा नाम से ही हम जानते हैं लगभग इसका साहित्यकार को। रीतिकाल के अंतर्गत घनानंद बोधा आलम ठाकुर, ये चारों रीति मुक्त कवि हुए हैं, और इनको हम किस नाम से जानेंगे? बोधा, यानी इनका वास्तविक नाम क्या है? बुद्धिसेन। इस प्रकार हमने हिंदी साहित्यकारों के उपनाम को देखा, हिंदी साहित्यकारों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख उपकारों के, प्रमुख साहित्यकारों के वास्तविक नाम का, नामों को देखा कि किन का, किन साहित्यकारों का क्या वास्तविक नाम है और क्या उनका उपनाम
रहा है, ये भाग एक है केवल। और हमारे बहुत से साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिन्हों के भी वास्तविक नाम और उपनाम के नाम से जाने जाते हैं, जिनका वास्तविक नाम कुछ और है, और कई बार उनकी पहचान उपनाम से इस प्रकार पड़ जाती है कि हमें उनका वास्तविक नाम ही पता नहीं चलता। जैसे कि कमलेश्वर जी का हमने पढ़ा और अन्य कवियों का, और हमने देखा कि इनका वास्तविक नाम क्या रहा और उपनाम क्या रहा। इसमें वास्तविक नाम और उपनामों में कन्फ्यूज नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि किस साहित्यकार का क्या वास्तविक नाम है, क्या उनका उपनाम है। ये केवल भाग एक है, और भी अन्य भाग दो भाग तीन हम लेकर के आएंगे। फिर सभी साहित्य, हिंदी के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख प्रमुख साहित्यकारों के हम वास्तविक नाम और उपनाम को एक दो क्लासों में इसी तरह छोटी छोटी क्लास करके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से एक दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्लास के रूप में रहेगी। ये बहुत सारों का तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं जिनका आपको उपनाम तो पता होता है लेकिन उनका वास्तविक नाम नहीं पता होता। कई साहित्यकार ऐसे हैं जिनका आपको वास्तविक नाम तो पता होता है लेकिन उपनाम नहीं पता होता। इसी लिए मैंने ये क्लास, ये टॉपिक लिया है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक के माध्यम से हम सभी साहित्यकारों के उपनाम और उनके वास्तविक नाम को देख लेंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ करके आप इन परीक्षा में आप इन क्लासेस के माध्यम से लाभ उठा सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना। भाई आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास लाने का। थैंक यू, धन्यवाद।